नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर आज़ाद भारत में ऐतिहासिक जनता कर्फ्यू के दिन मैं आज आपको घर बैठे ग्रेटर नोएडा के प्राचीन ऐतिहासिक बिलासपुर किले की सैर करा रहा हूं। बिलासपुर का किला यानी स्किनर स्टेट 989 गांव की कर वसूली और अंग्रेजी जुल्मों की राजधानी था। आइए देखें पूरा वीडियो। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं बिलासपुर के किले के मुख्य द्वार का है। आज यह किला और इसका मुख्य द्वार जीर्ण शीर्ण अवस्था में जर्जर हो चला है। लाल पत्थर और ककरिया ईंटों से कलात्मक ढंग से बेहतरीन नक्काशी का नमूना यह किला आप इसकी वानगी और इसकी सुंदरता को देख रहे हैं। आज यह प्राचीन किला गौतम बुद्ध नगर जिले के कृषि विभाग द्वारा संचालित 500 बीघा जमीन के राजकीय कृषि फार्म का हिस्सा है। आज़ादी से पूर्व अंग्रेजी हुकूमत में यह किला अंग्रेजी रियासतों की कर वसूली की राजधानी थी। किले में जेम्स हॉर्स स्किनर और उनके दो भाई माइकल और पीटर रहते थे। आज़ादी के बाद ये दिल्ली चले गए। इनकी बिलासपुर कस्बे में एक पुरानी कोठी और भूमि आज भी हैं। इस अंग्रेजी किले में दौलाना गाजियाबाद दिल्ली बुलंदशहर और मेरठ के 989 गांव की रियासतों की कर वसूली होती थी। जो किला अंग्रेजी शान बान और हुकूमत का प्रतीक था आज जर्जर अवस्था में अपनी दुर्दशा और कर्मों का रोना रो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार का विशाल फाटक किस तरह जमी दोज हुए पड़ा है और बिल्डिंग का पिछला हिस्सा भी जर्जर अवस्था में है। किले के मुख्य भाग के पास लकड़ी के ढेर और द्वार के अंदर भूसा भरा हुआ है। पिछला भाग देखिए, इंडिया गेट जैसा दिख रहा है। यहाँ पशु बंधे हुए हैं और चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। किले में लगने वाली अदालत में कभी मी लॉर्ड और भारतीयों की चीखें गूंजा करती थीं, आज यहाँ एकदम सन्नाटा है। कृषि विभाग के निर्देशन में इस किले में खेती हो रही है। खेत के पीछे जो सफ़ेद जर्जर कोठी देख रहे हैं, यह अंग्रेजी हुक्मरानों की कोठी थी और पहरेदारी के लिए रात में यह घंटा पेड़ के नीचे बजता था। कभी आलीशान मानी जाने वाली ये कोठियां और भवन अब जर्जर हो चले हैं। अब आपको दिखाते हैं अंग्रेजों के यातना घर। जी हां, यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, लोहे के जाली नुमा ये कैदखाने थे। इन कैदखानों में उन किसानों को बंद करके रखा जाता था जो समय पर अपना कर रियासत में जमा नहीं कर पाते थे। रियासत इन मामलों को स्किनर स्टेट में भेजती थी और स्किनर स्टेट में कर नहीं चुकाने वाले किसानों मजदूरों को हवालात में बंद किया जाता था। देखिए, यह अस्तबल का दृश्य है। यहाँ अंग्रेजी रियासत के घोड़े इन अस्तबलों में रहते थे। आज ये अस्तबल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं और इनमें पेड़ों की जड़ें तक उग आई हैं। किले के एक भाग में अंग्रेजी हुकूमत में नील की खेती होती थी। यह जो गहरे जमींदोज आप कुएं देख रहे हैं, इन कुओं में नील की खेती होती थी। एक के बाद एक लगातार 10 कुएं यहां आज भी अपनी प्राचीन स्थिति का आभास करा रहे हैं। आप देख सकते हैं यह जो पत्थर में सुराख है, इसमें से नील निकलता और इन गहरे कुएं में नील की फसल डालकर उसे गलाया जाता था। इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को आजकल समतल कराया जा रहा है। यह अवशेष कुछ ही दिन के शेष हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। यह नील की खेती के अवशेष हैं, सैकड़ों वर्ष पुराने। नील की खेती के यह अवशेष सिर्फ बिलासपुर के किले में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर नील की खेती ऊपर की हौदियों में की जाती थी, लेकिन बिलासपुर के किले में गहरे नीचे कुओं में नील की खेती की जाती थी। यहाँ नील की खेती के बहुत पुराने अवशेष हैं, आप चित्रों में देख सकते हैं। इस किले के बारे में स्थानीय निवासी क्या कहते हैं, आइए जानें किले की कहानी लोगों की जुबानी। मेरे साथ बिलासपुर कस्बे के बुजुर्ग चाँद मोहम्मद खान साहब उपस्थित हैं।
आइए जानते हैं इस किले के बारे में चांद मोहम्मद जी से। बताएं चांद साहब, किले के बारे में क्या जानकारी है आपको? किले के बारे में यही समझो पुराना किला है, अंग्रेजों का था ये, अंग्रेज यहाँ रहते थे, रियासत थी पुरानी है। सुना था कि यहाँ पर जो है वो जो जमा होता था टैक्स वगैरह भी, टैक्स नहीं दे पाते थे, उनके साथ क्या करते थे लोग? वो लोग और उन लोगों को बंद कर दिया करते थे, उठा के पहले टैक्स जमा कीजिए, आप लागन जमा कीजिए अपना। हरीश भाई, आपका गांव बिलासपुर किले के समीप है, इस किले के बारे में आपको क्या जानकारी है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस किले के बारे में हमारे दादाजी श्री रामफल शर्मा जी हमारे पिताजी और ताऊ जी को बताते थे कि इस किले में अंग्रेजों के जमाने में अदालतें लगती थी और जमींदारों के द्वारा वसूली की जाती थी। किले के पास ही जो नील की खेती की जाती थी और बताते थे कि किले के पास से ही एक सुरंग जो आगरा और दिल्ली किले को जोड़ती थी। हम सफ़ी मोहम्मद सैफी है, मैं बिलासपुर कस्बे में ही रहता हूँ। बिलासपुर कस्बे में स्किनर स्टेट के नाम से जो जाना जाता था, यहाँ पर एक पुराना किला भी है। बताया जाता है बहुत बड़ी रियासत थी और स्किनर नाम के यहाँ राजा भी रहे थे। 989 गाँव के का यहाँ रकबा था और 989 गाँव की अदालत भी यहाँ लगती थी, लगान का फैसला भी यहाँ होता था। बताया जाता है कि बिलासपुर कस्बे के ही हुसैनी यहाँ पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यह किला जो अपने आपे में अलग मिसाल है, यहाँ बारादरी किला सभी कुछ बना हुआ है, यहाँ काफ़ी लोग आते भी हैं देखने। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा।